नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में उतरने के लिए बीजेपी ने पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी। दूसरी ओर उनके भतीजे और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को पारस की दावेदारी वाली हाजीपुर समेत 5 सीटें दिला दी। और इस बात से नाराज पशुपति पारस ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब वो शांत नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए का अभिन्न हिस्सा करार दिया है। और अब वो कह रहे हैं कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर वह एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत से समर्थन करेंगे। हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके पशुपति पारस अब चिराग पासवान को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चिराग के तेवर अभी चाचा के प्रति तल्ख है। हाजीपुर में उन्होंने चाचा पर जमकर हमला किया। हाजीपुर में पहुंचे चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस के समर्थन पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अब इन चीजों से वह अलग जो है आगे निकल चुके हैं और मेरे सामने बिहार की 40 सीटों पर जीत के साथ साथ एनडीए को 400 पार ले जाने का लक्ष्य है। हालांकि उन्होंने चाचा पशुपति पारस पर सवालों की बौछार लगा दी और कहा कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया। उन्होंने कहा कि पिता का अधूरे काम को पूरा करना और हाजीपुर को आगे ले जाना हमारा मकसद। हाजीपुर में स्थित रामविलास पासवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मैं तो अपनी जगह पर रहा, लेकिन चाचा जी ने लंबे समय से मेरे सिर से आशीर्वाद का हाथ क्यों हटा लिया, यह तो उन्हें पता होगा और उन्होंने क्यों मुझे घर से और परिवार से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मुझे नहीं पता था कि जब मीडिया के लोग बार बार उनसे पूछते थे कि चिराग पासवान के साथ कभी कोई समझौता कर सकते थे, तो उनका जवाब आता था कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा। परिवार को एक होने की बात पर वो बार बार करते रहे कि ऐसा कभी नहीं होगा। चिराग ने कहा कि अब हम सारी चीजें पीछे छोड़ चुके हैं, मेरी लड़ाई और मेरा उद्देश्य बदल गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की लड़ाई के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इन तमाम मुद्दों को जो है मैं पीछे छोड़ चुका हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत दिलाना चाहता हूं और देश में उन्हें 400 पार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना चाहता हूं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट।